विजनेंस प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो आ पहुंचा है वार्ड नंबर 94 और मैं आपका दोस्त सुशील पाल आपको आज लेकर चल रहा हूं वार्ड नंबर 4 के अंदर। वार्ड नंबर 4 की समस्याओं से अवगत कराएंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए हमारी सवारी के ऊपर सवार हैं वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद राजेंद्र पवार। इनके साथ कारवा शुरू करेंगे, कॉलोनियों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कौन कौन से ऐसे काम है जिन्होंने वार्ड के अंदर कराए हैं और कौन कौन से ऐसे काम है जो अधूरे रह गए हैं जिसकी कसक अभी इनके दिल में बाकी है। वैसे आपको बता दें कि 10 फरवरी को जेसी होने वाली है नगर निगम में, बड़े हंगामेदार होने के आसार भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि कमिश्नर और मेयर का जो विवाद है, जो आपसी दोनों की लड़ाई है, वो बड़ी सुर्खियों में रही है। तो 10 तारीख का भी इंतज़ार है और उसके साथ साथ वार्ड नंबर 4 में आज हम आ पहुँचे हैं और वार्ड नंबर 4 में हम घूमेंगे। सबसे पहले सर हमको ये बताइए आप कि वार्ड नंबर 4 का जो एरिया है वो कौन कौन सा इलाका है जो वार्ड नंबर 4 में आता है? जी, एक भगवा रंग की पताका के आकार का हमारा वार्ड है। ढलाई खाने से प्रारंभ होता है, ढलाई खाने से लेकर पुलिस चौकी से हम प्रारंभ करते हैं। पुष्कर रोड पे अद्वैत आश्रम का हिस्सा है, अद्वैत आश्रम से रामनगर रोड पर जाएंगे कृष्णा कॉलोनी का आधा हिस्सा, देवनानी जी वाली गली के जो सामने वाली लाइन है वो मेरे वार्ड में आती है। उस गली से बाहर संत कवराम कॉलोनी के गेट से बाहर निकलेंगे मामा की दुकान, मामा की दुकान से लेकर धेनुका गार्डन और धेनुका गार्डन से होते हुए संजय नगर चौराहे होते हुए वापस लाखमणी तिराया जो शमशान स्थल का ढलाई खाना है वहाँ पर वार्ड समापन होता है। इस प्रकार से दो पताकायों के रूप में मेरा वार्ड है। सौभाग्यशाली हूँ मैं, इस वार्ड का जनप्रतिनिधि मुझे जनता ने चुना है और एक निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी को जीतना जनता की अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है। पूरा प्रयास किया है, छोटे छोटे कामों को करना अपना लक्ष्य बनाया। आपने निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा था? बीजेपी ने टिकट नहीं दिया इसलिए? हाँ, चुनाव लड़ने की इच्छा थी, पार्टी से टिकट मांगा था, कार्यकर्ताओं का मन था चुनाव लड़ा जाए, पार्टी ने किसी कारणवश टिकट नहीं दिया तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई ठीक है निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, उसके बाद भी पार्टी ज्वाइन की हमने। अच्छा, आपका इतिहास तो संघ का रहा है जी, संघ से आप जुड़े हुए, कितने समय संघ से जुड़े हुए और संघ के लोगों को तो कभी टिकट की दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, फिर क्या हुआ? मैं बाल्यकाल से संघ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं संघ का पूर्णकालिक प्रचारक भी रहा, 5 वर्ष प्रचारक रहकर आया, प्रचारक से वापस लौटा, उसके बाद मैं विद्या भारती जो अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान है उसको मैंने उसमें ज्वाइन किया मैंने, और पार्षद से पहले लगभग 6 वर्षों तक माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य में मैंने काम किया। प्रधानाचार्य नाते जो भी जिम्मेदारी अपनी पूरी की तो इस और संघ में विभाग शारीरिक प्रमुख, शारीरिक विभाग को देखने के लिए विशेष दायित्व होता है, वो दायित्व मेरे पास था, तो संघ की बड़ा दायित्व था मेरे पास, विद्यालय की बड़ी जिम्मेदारियाँ थी। तो टिकट नहीं मिलने का कारण मैं मानता हूँ संगठन के लोग उससे हल्का छोटा, जैसे होता लाडला बेटा कोई गलती करता है तो नाराजगी ज़्यादा होती है, तो मुझे ऐसा लगा वही नाराजगी काम आई क्योंकि संगठन की अनुमति के बिना जो विधायक महोदय अनुमति अपनी नहीं चला पाए और इस कारण मैंने भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया क्योंकि मेरी इच्छा थी, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, इसलिए मैंने फिर निर्दलीय घोषणा चुनाव लड़ा। तो इस मरतबा क्या होने वाला है? संगठन में थोड़ी सी नाराजगी दूर हुई है क्योंकि 5 साल का जो 4.5 साल का कार्यकाल निकला है, ऐसे पार्षद मैंने जो काम किए हैं और जनता में जो अपनी छवि बनाई है उससे सकारात्मक माहौल है और विधायक महोदय का भी कोई बहुत बड़ा इशू ऐसा नहीं था तो पॉजिटिव है, मुझे लगता है संगठन इस बार टिकट देगा मुझे। अच्छा, 4.5 सालों के अंदर, अभी 4.5 साल हो रहे हैं, 5 साल में पूरा अपन अगर बात करें तो अभी तक आपने कितने करोड़ के, कितने लाख के, कौन कौन से काम अपने इलाके के अंदर आपने बड़े बड़े कराए? विकास कार्यों की श्रेणी में मुख्य रूप से जैसे पार्षद का जो बजट होता है 20 लाख प्रतिवर्ष जो बजट सैंक्शन होता है वो लगभग 80 लाख के काम मेरे वार्ड में हो चुके हैं। इसके अलावा जनरल वर्क जो मेयर साहब के हाथ में होता है उनके माध्यम से भी समय समय पर काम हुए, लगभग 1 करोड़ के विकास कार्य मैं सोचता हूँ वार्ड में हुए हैं और समय समय पर विधायक महोदय की अनुशंसा पर भी जो काम हुए लगभग 30 लाख के काम विधायक महोदय की अनुशंसा पर हुए हैं और लगभग 50 से 60 लाख तक की पाइपलाइनों का काम श्याम नगर, शिव शक्ति कॉलोनी और शिवनगर में ऐसा काम हुआ है और 2 बड़ी उपलब्धियां जो मेरे वार्ड से जुड़ी है लेकिन वो क्षेत्र पूरे आसपास के चारों पांचों वार्ड कवर करेगी, जैसे एक 33/11 का जो विद्युत सब स्टेशन जो सैंक्शन हुआ है उसका काम भी मुहूर्त हो गया था, माननीय विधायक महोदय देवनानी जी के हाथों से हुआ था, उसका काम पेंडिंग है क्योंकि उसके पहले एक लगभग बहुत दुगनी क्षमता, अभी जो वर्तमान में जलदाय विभाग की जो वाटर टैंक है
उसकी वर्तमान क्षमता से लगभग 5 गुना क्षमता का वाटर टैंक लगभग बनकर तैयार है। अब वो जब बन जाएगा तो उसकी जमीन सरेंडर होगी और विद्युत विभाग का जो 3311 का सब स्टेशन है वो लागू। ये दो बड़ी योजना है जो लाइट की जो फ्लक्चुएशन होता है, अप डाउन होता है, फेज एक फेज जाता है, एक फेज दूसरा चला जाता है, तो उस समस्या से निजात मिलेगा। और जो पानी की समस्या आए दिन होती रहती है, तो स्टोरेज का क्योंकि अभाव है, पानी की समस्या हमने भी बहुत सुनी है आपके वार्ड में, पानी की समस्या बहुत है जी, शायद गंदा पानी भी बहुत आता है, ये भी बहुत समस्या है। इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. बाऊजी मिले हैं, एक उनसे बातचीत कर लेते हैं। बाऊजी क्या नाम है आपका? आरसी भंडारी। जानते हैं आप इनको? Yes. कौन है ये? हमारे पार्षद है। आपके पार्षद हैं ये? अच्छा, आपके पार्षद साहब ने 4.5 सालों में काम किया आपके वार्ड के अंदर या नहीं किया? हाँ किया है ना। किया? हाँ। कोई काम ऐसा रह गया अधूरा तो आज इनको बता दो, आज हम लेके आए इनको ये रिक्शा के ऊपर। कोई ऐसा काम हो जो रह गया हो, सफाई नहीं हो रही हो, नाली में गंदगी पड़ी हो, पानी नहीं आ रहा हो समय पर, नहीं पानी वगैरह आ रहा है, पाइपलाइन नहीं पहुंची हो? नहीं बिल्कुल, क्योंकि यही वो कड़ी है जो आपके सरकार तक भी पहुंचेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों तक भी बात पहुंचेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल पहुंचा है, पानी भी पहुंचा है, सड़कों का काम भी हुआ है। हुआ है? हाँ, अभी बारिश के बाद में जो सड़क वापस डैमेज हुई है उसका थोड़ा देखना पड़ेगा, वो ड्रेनेज की जो सिस्टम है उसको थोड़ा सही किया जाए, ड्रेनेज जमा हो जाता है पानी। नहीं जमा नहीं होता है, सड़क जो टूटी वगैरह है, सड़क टूट गई है बारिश के बाद, हाँ डैमेज हुई है तो उसको रिपेयर करना है, बस उसको रिपेयर करना है। उस रिपेयरिंग का काम अभी तो काफी जगह बाकी रखा है। अच्छा, काफी जगह बाकी हो रखा है। चलिए, नई सरकार आई है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी पूरा हो जाए, क्योंकि अब तो ये विपक्षी पार्टी के हो गए हैं और सत्ताधर जो है वो दूसरी पार्टी के हैं, तो ये टकराव, आपसी टकराव इनमें बना रहेगा ऑलमोस्ट। बाकी इनके काम कैसा रहा इनका? नहीं बहुत अच्छा है बाकी सब कुछ, बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि मतलब जो ये आपस का टकराव जो आप खुद बता रहे हैं यही एक प्रॉब्लम समस्या है, यही समस्या है। जो केंद्र की सरकार है वही मतलब स्टेट की गवर्नमेंट होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या है कि तालमेल अच्छा बनता है। ठीक है। अच्छा बाबूजी, फिर अभी राज्य में सरकार कांग्रेस की है, अब अपने निगम के चुनाव अगस्त में होने वाले हैं, ऐसे में फिर आप मेयर की कुर्सी पर किसको बैठाएंगे? मेयर की कुर्सी पे तो जो है वो सही है, जो अभी चल रहे हैं मेयर का काम तो बिल्कुल बेटर है, उनकी तरफ से ऐसी कोई कमी नहीं है। अच्छा, इनको अगर दोबारा टिकट मिलता है तो जीताओगे इनको? उम्मीद है जीतेंगे, बिल्कुल उम्मीद है जीतेंगे, आशा करते हैं बिल्कुल। चलिए कारवा को आगे शुरू करते हैं, तो यही है कि फिर से चुन के आए, कारवा आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आगे की। हाँ, पानी की समस्या के ऊपर हम थे, बीच में ब्रेक लेना पड़ गया है क्योंकि गाड़ी हमारी अटक गई थी, उसको आप बता। एक बात और बता। हाँ जी बाबू, जो थोड़ा सा ये नालियों में वो इसका सीवरेज सिस्टम तो चालू हो गया, नालियों में गंदगी जो पड़ी रहती है वो निकलवाना जरूरी है, वो जरूरी है, वो सफाई जरूरी है। हाँ, उसकी सफाई, क्योंकि उसमें पानी आता नहीं है, नालियों में पानी बंद हो गया, सूखी हो गई, सूखी हो गई और कचरा उसमें जाता है, और थोड़ा बहुत कहीं से पानी भी आता है तो उसकी गंदगी रह जाती है, ये समस्या है, ये एक समस्या है। हाँ, और ये पास में जो नाला है ना इसकी सफाई बराबर नहीं होती है, इसकी सफाई भी नहीं होती। हाँ, इसकी सफाई होना जरूरी है, नहीं तो ये मच्छर और गंदगी बहुत ज्यादा परेशान करती है, उसी की वजह एक ही प्रॉब्लम है, वो नाले की है, नाले की बड़ी मेन नाले की। अच्छा, ये नाला कितना बड़ा है आपके इलाके से? कहाँ से नाला निकलता है? सर ये जो पहाड़ी है, जो तारागढ़ की पहाड़ी है, वहाँ से निकलता नाला, वार्ड नंबर 5 से शुरुआत होती है। हाँ। काफी बड़ा फ्लो है इसका। अच्छा अच्छा साहब, धन्यवाद। काफी बड़ा फ्लो है और यहाँ ये बस आना सगर आई गई सड़क के उस तरफ। अच्छा, तो एक्चुअली वहाँ से जो 5 नंबर से प्रारंभ होता है नाले का पानी, तो वहाँ से तो नेचुरल फ्लो है, स्लोप है, तो पानी बारिश के साथ सारी गंदगी बहती है वहाँ से, और क्योंकि यहाँ लास्ट टेल पॉइंट है तो यहाँ आके एकदम से, क्योंकि तालाब आना सागर भरा है पूरा, इसलिए एकदम लेवल पे हम भी देखेंगे, अभी आना सागर एकदम छलक रहा है उसके लेवल के, इसलिए सारा कचरा फिर यहाँ आकर इकट्ठा होता है। समय समय पर जैसी सुविधा मिलती है, संसाधन मिलता है, उस हिसाब से नालों की सफाई करवाई जाती है। एकदम उधर वाला मेयर साहब का वार्ड आ गया है, 4 नंबर वार्ड मेरा है। अच्छा, स्मार्ट सिटी के अंदर आपका वार्ड भी शामिल किया गया है क्या? नहीं सर, मेरा जो बाकी के जो 48 वार्ड है, 12 वार्ड के अलावा, उस 48 वार्डों की श्रेणी मेरा वार्ड। अच्छा, जैसे कि हमने कल ज्ञान सरस्वत के वार्ड में हम गए, उनके वार्ड के जो पार्क हैं उसके अंदर स्मार्ट सिटी का पैसा बहुत लगा है, यानी कि
बिना वार्ड के सेलेक्ट हुए उनके वार्ड में पैसा, क्या आपके वार्ड में भी कोई काम स्मार्ट सिटी के तहत हुआ है? छोटा सा पार्क, मेयर साहब ने पूछा था आपके वार्ड में जो पार्क है, अभी हम निकले वीर लोकेश्वर कॉलोनी के पास जो भी मध्य में पार्क है, लगभग 10 लाख के सहयोग से उस वार्ड का जीर्णोद्धार हुआ है पार्क का। पेड़ पौधे लगाए गए हैं, बैठने के लिए बेंचें लगाई गई हैं, आसपास जो दीवार की 4 दीवारी डैमेज थी उसको रिपेयर किया गया है, रंग रोगन किया गया है और अच्छा पार्क है। हालांकि बहुत बड़ी जगह नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे और बुजुर्ग उसका पूरा आनंद लेते हैं। आपके वार्ड में तकरीबन पार्कों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक मूलभूत ज़रूरत है हर वार्डवासी की कि उसके इलाके में एक पार्क होना चाहिए हरा भरा। सर मेरे वार्ड की जो भौगोलिक सीमा है, अधिकांश जो निवासी हैं वो सरकारी ज़मीनों पर बसे हैं, पट्टों का भी उनमें अभी तक अभाव है, पट्टे के लिए भी लोग प्रयासरत हैं। अभी जब ADM माननीय हेड़ा जी अध्यक्ष थे उनके माध्यम से कुछ शिविर भी लगाए गए थे, लेकिन क्योंकि राज्य सरकार का हस्तक्षेप है इसमें, राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी है और एक निश्चित क्राइटेरिया तय किया कि इसके पहले जिन्होंने आवेदन किया पट्टे के लिए उन्हीं का आवेदन लिया गया, तो मेरा वार्ड भी पट्टों की दृष्टि से भी अछूता है। और इस कारण से क्योंकि प्राइवेट कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी कोई भी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए वो पार्क वाला अभाव जो सिस्टम का वो अभाव वो झलकता है और इसलिए एक लेदे के छोटा वीर लोकेश्वर कॉलोनी पार्क है उसको मैंने अपने हिसाब से मेयर साहब के सहयोग से जो भी विकास कराना था मैंने करवाया। हाँ कुछ दो जगह मेरे ऐसे ध्यान में आए हैं, एक तो तेलू की बगीची जो बड़ी, उसमें एक सरकारी ज़मीन का बड़ा हिस्सा है और कुछ एक जैसे तेली समाज है वो भी उस पर अपना अधिकार जमाता है, उसके लिए मैंने कहा कि वहाँ एक पार्क डेवलप किया जाए। और एक हमारे यहाँ 6 बीघा के आसपास लगभग कब्रिस्तान की ज़मीन है, उस पर मैंने आयुक्त महोदय से भी निवेदन किया है, उस पर अब ऐसा देखने में आ रहा है कि उस कब्रिस्तान की ज़मीन पर प्लॉटिंग की जा रही है, तो मैंने आयुक्त महोदय को नोटिस में था, उन्होंने JN को भेजा भी था, तो एक बार उसके जो भी अपेक्षित कार्रवाई करी जाए और एक अच्छा सा पार्क उस ज़मीन में डेवलप किया जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। किया जाए आपका ये इच्छा और ये काम शायद रह भी गया अभी तक, ये टीस थोड़ी सी बाकी है, सरकार में परिवर्तन भी हो गया। अच्छा निगम में जो कमिश्नर आई हुई हैं, क्योंकि हमने कुछ रिपोर्ट्स ऐसे सुने कि उन्होंने BJP के कई पार्षदों के काम को रोक दिया, कईयों के सैंक्शन कर दिए, क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ या नहीं? सर बड़े स्तर पर जो विवाद है वो सबको ध्यान में है, विवाद अपनी जगह है लेकिन मैं जब भी व्यक्तिगत तौर पर आयुक्त महोदय के पास गया हूँ और मेयर साहब के पास गया हूँ तो मेरे जो भी इच्छित काम है बहुत प्यार से मुझे सुना है, पूरे कामों का आश्वासन मिला है और मेयर साहब के माध्यम से जो भी काम उनके बस में थे वो उन्होंने उनके लिए अनुमति दी है। पर आयुक्त महोदय मैंने भी अभी अधिकृत रूप से कोई काम स्वीकृत नहीं हुआ है लेकिन मुझे जानकारी में आया जो मैंने काम लिख कर दिए थे उसके बारे में प्रक्रिया चल रही है, टेंडर की प्रक्रिया उसमें जारी है और निश्चित रूप से जो मैंने आयुक्त महोदय को जो काम लिख कर दिए वो भी प्रक्रिया में मेरे कार्यकाल से पूरे समय रहते थे पूरे होंगे। सबसे ज़्यादा काम आपने विधायक कोष से कराया या निगम के फंड से कराया? निगम के फंड से ज़्यादा हुए क्योंकि विधायक महोदय के पास तो 28 वार्ड है, 5 गाँव हैं, तो एवरेज 5 लाख एक साल का निकलता है सर। और पार्षद को जैसे 20 लाख के काम तो साल में एक बार सैंक्शन होते ही हैं, प्लस जनरल वर्क में जैसे 1-1 करोड़ के काम मेयर साहब के पास सैंक्शन है, तो मेयर साहब की पूरा सहयोग है, मेरे वार्ड में जो भी काम मैंने बताया मेयर साहब की अनुमति से वो काम हुए हैं। बिजली को लेकर बहुत सारी समस्याएं वार्ड के अंदर देखी गई हैं, क्षेत्रवासी कहते हैं कि निजीकरण हो गया है, अब मैक्सिमम समस्याओं में वो पार्षद को ही फ़ोन करते हैं, बिजली कंपनियों को फ़ोन नहीं करते हैं, आपके पास भी ऐसे कॉल आते होंगे? और आपके वार्ड में बिजली को लेकर बड़ी समस्याएं क्या हैं? क्योंकि इस कार्यक्रम को हम टाटा के जो CEO हैं, टाटा के जो PRO उनको भी दिखाना चाहते हैं, उनको भी बताना चाहते हैं कि आपके जो इलाके हैं कई इलाके जहाँ पर बहुत सारी कमियाँ रह गई हैं, क्या आपके इलाके में भी कुछ ऐसी कमियाँ हैं? सर टाटा पावर के आने के बाद में मैं समझता हूँ जो बिजली की समस्याएं हैं उनमें कमी आई है और जनता के फोन स्वाभाविक रूप से पार्षद के पास आएंगे। बहुत बड़ी समस्या नहीं, कई बार एक फेज का चले जाना और दूसरे फेज का नहीं आना या लॉट में किसी मकान की लाइटें चले जाना, हाँ उसके बाद उसे लैप लीजिए, उसके बाद में शिकायत की गई और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन उससे बहुत त्वरित गति से काम हुआ है। और कई बार तो जैसे आपने आलोक सर का नाम लिया है, टाटा पावर के जो कॉरपोरेटर हेड हैं उनको भी व्यक्तिगत फ़ोन करने पर यदि रात में 10 बजे भी मैंने फ़ोन उठाया है किया है तो उन्होंने फ़ोन उठाया है। और सर्विस के मामले में देखिए सर, जब व्यक्ति सर्विस चाहता है तो पे करना पड़ता है, अब निजीकरण में थोड़ा बहुत तो व्यक्ति को बोझ, मैं समझता इसको बोझ नहीं कहेंगे, ये सुविधाओं का है। जैसे JLN में हम अपना उपचार कराते हैं माँ का खर्चा और मित्तल में जब इलाज करा तो उसका खर्चा अंतर आता है, लेकिन संतुष्टि जहाँ मिलती है व्यक्ति वहाँ जाता है। तो मेरा व्यक्तिगत मत है सर, टाटा पावर के आने के बाद में
बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है, जो छोटी मोटी कमियां हैं उन अब छोटे छोटे हब बनाए। पहले ट्रांसफार्मर बड़े एरिया को कवर करता था, लेफ्ट वाली गली में लेना, पहले ट्रांसफार्मर बड़े एरिया को कवर करता था, ट्रांसफार्मर उड़ जाते थे, लाइटें चली जाती थी, रात रात भर लाइटें नहीं आती थी। इन्होंने छोटे हब बनाए और मैं समझता हूँ जैसे मेरे वार्ड में मुझे ध्यान में 2 या 3 ट्रांसफार्मर देखने को मिलते थे जब मैं 5 साल पार्षद नहीं था, उसके पहले की बात है, और अब लगभग 6 या 7 जगह और नए एडवांस क्वालिटी वाले ट्रांसफार्मर, इससे लाइट चले जाना, ऐसी शिकायतों में कमी आई है निश्चित रूप से, उसमें कमी आई है। अच्छा एक बात और, क्योंकि आपको आज हमने वार्ड आपके उसमें इलाके के अंदर हम हैं और शायद आपको देखने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट भी इस खबर के ऊपर करेंगे, शो को देख करेंगे, आपके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगा था सर थोड़े दिन पहले, और बहुत चिंता ये उठाई गई थी क्योंकि आप प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए हैं, संघ से रहे हैं, तो ऐसा करप्शन का आरोप आपके ऊपर लगा, छूटा था या वाकई था? सर मैं इस जो साजिश को मैं समझ नहीं पाया निश्चित रूप से, उसके बाद में जब मैंने प्रयास किया तो मुझे लगा निश्चित रूप से एक जैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है किसी फिल्म की, इस प्रकार से स्क्रिप्ट लिखी गई है और मुझे ध्यान में इन लोगों ने लगे हैं, लेकिन जिन संस्कारों से मैं पला बढ़ा हुआ हूँ और जो संस्कार मेरे में है उसमें यही सिखाया गया है कि जैसे बिच्छू है, बिच्छू का काम होता है डंक मारना, लेकिन यदि वो पानी में गिरा है तो भी सज्जन व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है वो उस बिच्छू को बचाएगा, बचाते समय बिच्छू डंक मार सकता है आपको, तो उस भाव को अन्यथा नहीं लेते हुए, और मैं अपनी सज्जनता पर अड़ा हूँ, वापस मैंने रेस किया है, लगभग 1.5 वर्ष ऊपर हो चुका है, मैं यदि इस प्रकार की स्थिति में यदि व्यक्ति में कोई भी किस प्रकार की, क्योंकि शायद आपकी छवि पे सबसे ज़्यादा असर एक इसी प्रकरण का सबसे ज़्यादा असर मुझे लगता है, मानता हूँ। लेकिन सर अभी कल परसों व्हाट्सअप देख रहा था कि वो जिंदा लोगों की निंदा होती है, मरने के बाद तारीफ होती है, तो ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स इसमें, और ये तो आरोप है, कई जगह तो हत्याएं हो जाती पॉलिटिक्स को लेकर, बिल्कुल सही, संघ के कार्यकर्ताओं की बहुत सारी जगह जगह मुझे समझाया था, मैं जब पॉलिटिक्स में उतरा था तब मुझे कहा था नरेंद्र जी ऐसा होगा, नरेंद्र जी आरोप लगेंगे, झूठे आरोप लगेंगे, फेस करना बड़ा कठिन है, सदाचार्य गुरु जी दक्षा आरंभ बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो संस्कार मेरे मुझे काम में आ रहे निश्चित रूप से, और मैं अपने आप को निश्चित रूप से, आपकी कॉलोनी पतली पतली गलियां बहुत ज्यादा है, आपके प्राइवेट कॉलोनी है और लोग मैक्सिमम अपना हिस्सा कवर कर लेते हैं, ऐसे इलाकों के अंदर क्या कभी आपको ये महसूस हुआ कि सरकार को अब वार्ड की जो जगह है, वार्ड की जो इलाके हैं वहाँ पर सीसीटीवी को लगाना चाहिए, जरूरी सर, है। अभी आपने ये विषय ले दिया, लेकिन जैसा मुझसे पूछा सर बाकी जो काम रह गए, निश्चित रूप से सीसीटीवी प्रोजेक्ट मेरे काम में है और आयुक्त महोदय से बात हुई है और मुझे प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है, एस्टिमेट वगैरह लेने के लिए कहा है, पर ये जो सड़क और नाली से ही तो, लेकिन निश्चित रूप से वो मेरे एजेंडे में है और मैं इस बारे में महापौर महोदय से, आयुक्त महोदय से बात करूंगा, सीसीटीवी वाला जो प्रोजेक्ट है मेरे वार्ड में जरूर पूरा हो, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो विजन है और फिर स्मार्ट सिटी में अगर वार्ड अधूरे रह गए तो फिर कैसे काम होगा, वार्डों को भी स्मार्ट बनाना बहुत जरूरी है। मैं अपने वार्ड की तरफ से इसकी और कोई कमी रहने दूंगा, सर जनता से कुछ पूछना चाहिए, ये आप ही के वार्ड के लोग हैं तो इन्हीं से हम थोड़ा सा मिल लेते हैं। क्या नाम है भाजी आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी जानते हैं इनको? जी सर। कौन है? पार्षद साहब। पार्षद साहब है आपके? अच्छा, इनका 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कोई काम अगर रह गया हो तो आज बता दो इनको, क्योंकि आज हम लेके आए इनको पकड़ कर, कोई रह गया हो तो बताइए, खुल के बोलिए इसमें क्या बात है, कोई काम रह गया हो? बहुत लोगों ने शिकायत भी की, कहा कि सफाई नहीं है हमारे वार्ड के अंदर, आपको करवानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो हमारे इधर सड़क पड़क नाली वाली सब हो गई, आपके यहाँ तो हो गया सब कुछ, कोई कमी नहीं है अब? नहीं सर, हो गया काम पार्षद वाला पूरा? जी सर। चलिए पूरा हो गया है, कुछ नौजवान साथी हैं शायद खुल कर बोल पाए, वो बढ़िया है। क्या नाम भी आपका? नितेश जोशी। नितेश, ये बताओ मुझे पार्षद क्या बात है आपके वार्ड की परिक्रमा है? वार्ड में कोई काम है क्या? वो छूट गया? नहीं सर, सब काम हो गया पूरा, सब हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सफाई वफाई सब कुछ हो रहा है? सफाई वगैरह तो होती है, कंटिन्यू कंटिन्यू होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई सफाई वाले कभी देखो आते हैं तो दोनों साथ आ जाते हैं, और नहीं आते तो एक, हां बताओ आते हैं तो दोनों साथ ही आते हैं, और या एक दिन गैप छोड़ करके आए तो हमारा क्या है उसमें, क्या एक दिन वो आ जाए तो एक दिन वो आए, ऐसे सर्कुलेशन सही रहता है, जैसे दोनों एक साथ आ गए तो हमारा काम ही मतलब नहीं, कभी नहीं हो जी सर, बहुत कला। चलिए ठीक है, ये उम्मीद करते हैं कि पार्षद साहब सुनेंगे उसको। भाव जी क्या नाम है आपका? नानू सिंह।
पार्षद साहब के कार्यकाल से खुश हैं या बिल्कुल नहीं? बहुत बढ़िया है, संतुष्ट है, काम भी बढ़िया है। अभी देखो नई सड़क बनाई है, शानदार व्यवस्था। क्या नाम है माता जी? राजकुमार। अच्छा, कैसा इनका कार्यकाल? नहीं, अच्छा रहा इनका, साफ सफाई इनके रहने के बाद साफ सफाई अच्छी हुई है। तो पार्टी इनको दोबारा दे दे टिकट? हाँ, दे दो, हम तो तैयार हैं। इनको बीजेपी से मिलना चाहिए इनको। अच्छा, अब निर्दलीय नहीं, अब इनको बीजेपी टिकट दे दे। हाँ, बीजेपी से मिलना चाहिए, पार्टी से मिलना चाहिए। यहाँ के लोग कह रहे हैं इनके जो निर्दलीय का जो कार्यकाल रहा उससे संतुष्ट नजर आते हैं। कारवा आगे लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स, सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। लाए हैं तो हम उनके पास आ जाते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। कैसे माता जी? राम राम। अच्छा, हम एक शो बना रहे हैं इस वक्त, कौन बनेगा मेयर, अगस्त में चुनाव है पार्षद के, तो आज आपके पार्षद साहब को लाए हैं हमारी सवारी के ऊपर। तो मुझे ये बताओ, इनका 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? हमें तो अच्छा नहीं लगा। क्यों? नहीं, हमारी गलियां भी बहुत गंदी है, नालियां बहुत गंदी है। अब जाके थोड़ा सा सुधार हुआ है। अब जाके हुआ आखिरी साल के अंदर? कुछ कमी रह गई है इनके सही काम है। इनको खुद को पूछो, हम क्या तो आप लोग ही बताएंगे तभी ये काम करेंगे। हमको तो नहीं लगा अच्छा। अच्छा, आप कैसा लगा? आप कैसा लगा माता जी? अच्छा ही है, काम तो दोबारा अच्छा। इनको अगर वापस लड़ते हैं यहाँ से तो वोट देंगे तो आप? क्यों नहीं। अच्छा माता जी, कैसा रहा इनका कार्यकाल? सही था। सही था, एक ही को शिकायत है बस, बाकी को नहीं है। सब जगह इसी चल रही है हमारा बीरा। अच्छा, सब जगह इसी चल रही है और कहीं? देखो जटन नेता लोग रेवे ना। हाँ। देखी गलियां साफ रेवे। अच्छा, जहाँ पे नेता लोग रहते हैं वहीं की गलियां साफ। शिकायत नहीं करी है और बताना तो पड़ेगा ना। सुधार तो होना ही चाहिए ना, एक अकेले नहीं, मतलब सुधार होना चाहिए, क्योंकि हमारे नाले का पानी बहुत बाहर आया, घरों के अंदर पानी भर गया, बिस्तर वगैरह गीले हो गए, पलंग गीले हो गए, अभी जाके देखो निशान बन रहे हमारे। अच्छा, हम चाहते हैं हमारा कुछ सुधार हो गली का पानी वगैरह। लेकिन कभी कभी कोई नाला सही हो, नाला गंदा हो रहा है ना वो। हाँ, नाले की शिकायत एक मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है हमें। अच्छा, सफाई भी करे तो कितना करे, कादा आ जाता है हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम चाहते हैं थोड़ा सुधार हो जाए। वोट तो क्या दे देंगे, पर सुधार चाहिए हमें। बस यही बात है, तो वोट एक ना देनु है, कोई चार ना तो देनु कौन है। सही। अच्छा, सुधार ही चाहिए। मुझे ये बताइए, कभी शिकायत करने के लिए आप गए क्या पार्षद बताया? हाँ गए ना। अच्छा, गए थे। कितनी बार? एक बार गए, जब नालियाँ बन रही थी बाहर की, तो हम गए थे भाई हमारे अंदर आके भी देख लो, कुछ हो सके तो कर दो। ये नाली की तो एक समस्या है, पहले ही बताया। बोल रहे हमारे बस का होता तो हम जरूर करते। ये देखो माँ का, देखो गए भी सारी। आज तो माता जी साफ दिख रही है गली, इसीलिए हम फोन नहीं करते उससे पहले पार्षद को, एंड टाइम पे करते हैं फोन पकड़ने के लिए। अंदर की गली देखो, जाकर अंदर चाल है, देखो सुधार है, पर हम चाहते थोड़ा और हो, थोड़ा और सुधार। हाँ, वो सुधार हो तो ज्यादा अच्छा है। या तो नाले का हो जाए ना तो सबसे बढ़िया है। नाला है ना, ब्लॉक हो रहे हैं सारे नाले, वो है क्या, बिल्कुल जरा जरा सी नालियां रह गई हैं नाले की जगह, वो सुधार हो तो है, नहीं तो ये दोनों गलियों में पानी भर गया। अच्छा, बारिश के समय? हाँ, सबके घरों में भर गया सब। अच्छा, एक तो है ना बारिश भी होती तो एक ही डर रहता है, फुहारा करना चाहिए। अच्छा, नालियां तो मैं बंद करा दी, लापो लागो। तो आज इनको बताओ ना, आज हम लेके आए हैं पार्षद का, ये जमाई है यहाँ का। चलिए, जवाई माना आपने इनको। चलिए आगे लेके चलते हैं कारवा, और यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल अजमेर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मेयर शो में, और जैसा भी आपको दिखाया कि यहाँ पर जो वार्ड के लोग कुछ नाले की समस्या को बताया, उससे पहले हमने एक बुजुर्ग से बात की, उन्होंने भी नाले की समस्या को लेकर जिक्र किया। ये नाले की बड़ी समस्या है आपके वार्ड के अंदर, ये ईडी में आता है, निगम में आता है? सर, नाले तो वैसे ईडी के क्षेत्र में है, लेकिन क्योंकि महापौर महोदय हमारे ज़्यादा सुनते हैं, इसलिए जो नाले वाला विषय है, और इस बार इंद्र भगवान काफ़ी मेहरबान भी हुए तो पानी भी पर्याप्त आया है, और क्योंकि इसमें दोष मैं मानता हूँ लोगों का ही है, क्योंकि नाला शुरुआत होता है 10 फीट से, और कई जगह वो नाला 2 फीट की नाली बनकर रह गया है। पूरी पहाड़ी का जो अभी नाला जो आप रिसेंटली देख कर आए हैं, नाले में पानी आता पूरी पहाड़ी क्षेत्र का, और जब पानी को जब जगह नहीं मिलेगी तो वह गुलासे मारेगा, और जैसे बैरिट आएगा तो सड़कों की ओर आएगा, अधूरों में जाएगा।
और निश्चित रूप से मेयर साहब पधारे हैं, विजिट किया उन्होंने और आवश्यकता लगने पर एक स्थान को चिन्हित किया है जिसके कारण ओवरफ्लो हुआ था, तो उसकी कार्यवाही अपेक्षित है अभी तौर पर, क्योंकि कार्यवाही बहुत समय लगता है, किसी व्यक्ति ने स्टे ले लिया और किसी व्यक्ति ने केस किया है तो जब कानूनी प्रक्रिया में समय लग जाता है, कार्यवाही में अगर पहुंच गया मामला तो फिर अटकना। निश्चित रूप से मैं सहमत हूँ और वो घरवाले भी सहमत है कि साहब तोड़फोड़ सरकारी खर्चे में तोड़फोड़ हो जाती है, हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हो तो हम तोड़फोड़ कराने में सहमत है, उन्होंने भी सहमति दी और निश्चित रूप से अगले साल की जो आप भाभी जी मिले थे, अगले साल बारिश का जो प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा, निश्चित रूप से नाला चौड़ा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि इससे पहले के जो वार्ड में हम गए वहाँ पर भी हमको ईडीए से संबंधित बहुत सारी समस्याएं नजर आई, क्या आपको लगता है कि एक वार्ड पार्षद को ईडीए की कमेटी में शामिल करना चाहिए, इनको अब एक हिस्सा ईडीए से भी मिलना चाहिए, क्योंकि कई वार्डों के अंदर जो जगह है वो ईडीए की सीमाएं भी उसके अंदर आ जाती हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इस बात का पश्चाताप रहेगा मुझे कि 3 साल माननीय हिड़ा जी शहर अध्यक्ष ईडी के चेयरमैन रहे और मैंने प्रयास भी किए और लगभग 3 फाइलें ऐसी तैयार हुई जिसमें 50 लाख के काम मेरे वार्ड में सैंक्शन हो चुके थे, लेकिन अभी तक कारण अज्ञात है कि वो 50 लाख के काम मेरे वार्ड में क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि ईडी में इस प्रकार का बजट रहता है कि जो एडी की जो कॉलोनी है उसके अलावा भी जो क्षेत्र अन्य क्षेत्र है उनमें फंड रिलीज करता है, लेकिन दुर्भाग्य मेरे वार्ड में इस प्रकार का नहीं मिल पाया। तो मैं इस पूरी बात का पक्षधर हूँ कि पार्षदों को एडी से फंड मिलना चाहिए और उस कमेटी में पार्षद का सहभागिता होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा आपके इलाके में शादी समारोह स्थल भी होंगे कुछ, क्या इनके ट्रैफिक जाम से और ये जो गंदगी फैलाते हैं क्या इनसे समस्या नहीं है? सर बहुत बड़ा विषय है ये और निश्चित रूप से वार्ड की सीमा में तो ऐसी समारोह स्थल नहीं है, बगीचियां हैं और पर बगीचियों में छोटा मोटा कार्यक्रम 200-250 लोगों का जब कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से जो पार्किंग की समस्या है, पार्किंग लोग सड़क पे करते हैं, यद्यपि कार्यक्रम रात्रि में होता है, रात्रि में दुकानें मंगल ऑफ हो जाती हैं उसके बाद में, लेकिन फिर भी जो पार्किंग होती है उसके कारण आने जाने में, क्योंकि अब ठेठ फैसा करो लगभग 5 किलोमीटर और 3 गांव काजीपुरा है, हाथीखेड़ा है, खरीगड़ी है, गांव बुराज है, ये गांव उड़ते हैं और सड़क के दोनों ओर कॉलोनी डेवलप हो गई है, तो लगभग 1 लाख की आबादी निश्चित रूप से बड़े एरिया में है और लोगों का निकलना और जो कोई बड़ा सावा होता है तो निश्चित रूप से इस रोड का दृश्य देखने को हम ये तो पूछ नहीं पाते कि वो किस वार्ड से हैं, लेकिन इस रोड से बहुत समस्याएं हमको बहुत सारी आई हैं कि शादी समारोह स्थलों से समस्या हुई है और उसको लेकर, क्योंकि निगम का हिस्सा है वो, इसीलिए ये सवाल हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कुछ गिने चुने जो समारोह स्थल है वो निगम क्षेत्र में है और अधिकांश निगम जो समारोह स्थल है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, पंचायत समिति क्षेत्र में आते, इसलिए संभवतः निगम उन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर पाता, लेकिन जो सामुदायिक भवन निगम क्षेत्र में है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पार्किंग की पूरी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ समारोह स्थल जिनको मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे हंस पैराडाइज है, उसने अपनी पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की है और कुछ गार्ड भी लगाते हैं जब कोई शादी वगैरह होती है, इसी प्रकार की पार्किंग की व्यवस्था यदि सभी समारोह स्थल अपने समारोह स्थल में कर ले तो निश्चित रूप से वो जाम वाली जो स्थिति है वो कम हो सकती है, वो कम हो सकती है। वार्ड में आगे चलते हैं, तस्वीरें देख लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कामगार लोग हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि किस तरीके से इनका 4.5 साल का जो कार्यकाल है हो रहा है। अच्छा जानते हैं इनको? आपके पार्षद हैं? पार्षद तो अभी है, पहले तो जानते हैं हम, तो बचपन से जानते हैं। अच्छा बचपन से पढ़ाया आपको इन्होंने? हम शिक्षक रहे इनके। शिक्षक रहे हैं, अच्छा तो एक बार बताइए, ये मत सोचिएगा कि आज आपके शिक्षक हैं, आज ये बताइए आपके जनप्रतिनिधि आए, ठीक है? 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा इनका? बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा लिए तो बहुत अच्छा है, वार्ड के लिए काम हुए, पूरे पूरे काम हो रहे हैं। कोई काम ऐसा अछूता रह गया हो तो आज बता दो इनको। नहीं नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो घर जाके बस पकड़ के ले आते हैं भाई साहब, पहले हमारा ये काम बाकी रह गया आपका। अच्छा क्या नाम है भाऊजी आपका? नरेंद्र सैनी। इनके कार्यकाल से खुश है? मेरा वार्ड के नहीं है, मेरा वार्ड नंबर 3 है। अच्छा आपका 3 है, चलिए ठीक है। 3 वाला कैसे है पार्षद साहब? कोई शिकायत हो उनके बता दो मुझे, कोई शिकायत नहीं मिली उनकी? नहीं कोई शिकायत नहीं है। वो कह रहे थे मुझे ऐसे कि खड्डे में भी खड़े होके आप पूछोगे हमारे वार्ड के किसी वासी से तो वो नहीं बताएगा कि कोई समस्या है। बहुत बढ़िया है। ये अजमेर के वार्ड नंबर 3 के ज्ञान सारस्वत हैं, जिनके जिनका शो हमने कल ही किया है, उनके लिए ऐसे ही लोगों ने कहा है कि आप समस्या होने के बावजूद भी अगर पूछेंगे तो भी वो नहीं बताएंगे। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बिजली के खंभों की बड़ी समस्या एक मैं आपको महत्वपूर्ण बताता हूँ। जैसे हम वार्ड 3 में गए थे तो उन्होंने बड़ा रंग रोगन कर रखा है आधे का, अब इस तरीके से विज्ञापन जो कर दिए जाते हैं खंभों पे, एक तरीके से सौंदर्यकरण खराब कर दिया जाता है, इसको कितना
क्या मानते हैं आप इसको कि ऐसा होना चाहिए नहीं, क्योंकि विज्ञापन की जगह होती है निगम की? निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी के लिए ये भद्दा दृश्य है, और निश्चित रूप से जो बोर्ड लगे हैं इनकी सूची बनाकर और मेयर साहब से आयुक्त महोदय को निश्चित रूप से शिकायत दी जाएगी, और वो योजना में है जैसा ज्ञान जी भाई साहब ने अपने पोल रंगरोगन करवाया है, ये 6 महीने का जो कार्यकाल बचा है निश्चित रूप से पोल की जो रंगरोगन की व्यवस्था है मैं पूरी करूंगा इसको। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपको और आगे लेके चलते हैं। सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हैंडपिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स, सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है बाबूजी। राम राम। आओ वाड़की को समझ आज आपके पार्षद साहब को लायम पकड़ कर। बढ़िया किया था। आओ बता दो, आओ साहब का कोई टाइट वाइट की शिकायत है, कटा पावर के वाले कुछ बताना। 4 साल में इनका कार्यकाल कैसा रहा, कैसा लगा आपको इनका काम? ठीक रहा, बढ़िया बढ़िया रहा। कोई काम ऐसा रह गया? देख रेख अच्छे रही। इन्होंने जो है वो मेडिकल कैंप भी लगवाया। अच्छा, लोगों को इलाज गोलियां दवा मेडिकल कैंप भी इन्होंने लगवाया? इन्होंने लगवाया साहब, झूठ के बोले। सही है। और कोई काम ऐसा रह गया हो जिनको करना चाहिए? नहीं यार, अब देखो ऐसा है कि काम का तो ऐसा है बहुत ही, सारे काम बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। अब तो पक्की सड़कें बन गई, नालियां बन गई। सही। वो अब तो नालियां भी ब्लॉक हो गई। सही, अंडरग्राउंड ब्लॉक होने लग गई हैं। हाँ, तो अंडरग्राउंड हो गया ना सारा मामला, ब्लॉक से आशय बंद। अच्छा अच्छा अच्छा, सारा मामला अंडरग्राउंड है। तो वो सही हो गया काम? हाँ, बट ये इसमें तो अच्छी स्कीम निकाली इन्होंने। ये सही स्कीम है। अच्छा, तो दोबारा अभी तो निर्दलीय है ये? हाँ, अभी तो निर्दलीय है ये, अभी किसी पार्टी से नहीं है पार्षद ये, तो बीजेपी से? अब बीजेपी से अपना मैच नहीं खाता है। नहीं खाता? अच्छा, तो इनको कहते हैं हम कांग्रेस से लड़ने में ही है। नहीं नहीं, देखो अगर कांग्रेस टिकट दे तो लड़ो। कुछ और टिकट तो उसी को मिलता है जो कामयाब आदमी होता है। तो आपके हिसाब से तो कामयाब है ना ये? नहीं नहीं, वो मैं क्या कह रहा हूँ, टिकट मिल जाए तो कामयाब है भाई। जैसे चलती गाड़ी में से उतार दिया तो क्या कामयाब हुआ। अच्छा चलिए ठीक है बाबूजी। बाबूजी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम गणपत लाल है। कैसा इनका कार्यकाल? सही है सब। सही है, कोई कमी पेशी रह गई हो तो नहीं, आज नहीं, बता नहीं। दो। कोई पेशी नहीं, नहीं सब काम हो रहे हैं आपके यहाँ पर? हाँ जी। चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और आप आगे लेके चलते हैं। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. कौन बनेगा मेयर शो में, और इस वक्त यहाँ पर हमको कुछ लोग हैं जो एकजुट बहुत सारी संख्या में हमको दिखाई दे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वार्ड की चर्चा यहाँ पर हो रही है। चैनल तो आज जब लेकर आए गए हैं वार्ड पार्षद साहब को, तो इन लोगों से बात कर लेते हैं, इन लोगों के सामने करते हैं। बाबू जी राम राम। जानते हैं इनको? कौन है? हमारे पार्षद साहब है। पार्षद साहब है आपके? तो मुझे ये बताइए, इनके इलाके में हम घूम रहे हैं आज और देख रहे हैं कि कहाँ काम हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, इन्होंने कितना विकास का काम करा दिया है। इनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक सर। ठीक रहा? हाँ, ऐसा इतना ज्यादा भी सही नहीं है। तो कौन सा काम रह गया बाकी बताओ आप? काम तो अभी आया, बहुत से खड्डे वगैरह पूरे पड़े हुए हैं, वो बंद नहीं करे हुए हैं अभी तक। वो खुले हुए पड़े? वो खुले पड़े हुए हैं। अब जैसे पानी भर जाता है, ये जैसे खोदते ना क्या बोलते हैं इसको, टैंकर का, उसको सीवरेज का, उसको अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ऊंचा है, कभी कहीं नीचा है, आने जाने में तकलीफ हो रहा है। बाकी वो तो क्या इनके हाथ में थोड़ी है, जो ठेका दिया गुजरात वालों को तो उनकी गलती है, रोड वगैरह बनने चाहिए सही ढंग से। क्या नाम है भाऊजी आपका? हमारा नाम कोमल सिंह है। कैसा है इनका कार्यकाल? इनके काल में क्या अभी नालियां ही नहीं सही कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं हो रहा है काम। अच्छा, नहीं हो रहा इनका, नहीं हो रहा है काम? हाँ, बहुत बंद पड़ा है काम तो यहीं से। सरकार ने तो काम नहीं, स्मार्ट सिटी बना दी। स्मार्ट सिटी क्या बना के, यहाँ देखो तो सभी स्मार्ट कचरे कचरा ढेर रखता है। हाँ, क्या स्मार्ट सिटी बनाई? अच्छा, तो काम करना चाहिए और इनको? हाँ, काम करना चाहिए, काम करे तो वोट है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे काम है, 5 महत्वपूर्ण काम बता दो जो इनको करने चाहिए? एक तो है नाली का, नाली का, और एक पानी बहुत कम आ रहा है। अच्छा, पानी का प्रेशर नहीं आ रहा होगा? प्रेशर नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। और दूसरा काम है जो छोटे मोटे जैसे खड्डे वड्डे है उनको सही करवाने हैं। खड्डे सही से, सड़क टूटी फूटी है। आज देखो ये ब्रेक बनी है तो आधे ब्रेक टूटी हुई है, इसका सही नहीं हो रहा है। आते गाड़ी लेके धनाधन गाड़ी लेकर आते हैं, आके गिर जाते हैं, कई जने तो गिरते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप बताओ अभी तो निर्दलीय है ना, अब चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव में इनको दोबारा से टिकट अगर मिल गया, टिकट मिल जाएगा, काम काम होगा ना तभी तो दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, काम नहीं दिखाओगे तो आगे थोड़ी बढ़ सकते हैं।
इतना अच्छा। बढ़ने के लिए तो काम दिखाना ही पड़ेगा ना इनको। क्या नाम है बाबूजी आपका? नारायण जी। नारायण जी, अच्छा इस नाली की बात कर रहे हैं ऐसे? हाँ, ये नाली जाम हो रही है, लॉक हो रही है सारी। हाँ, सफाई तो होनी चाहिए कम से। अच्छा, महीने में एक बार सफाई हो जाए वो बढ़िया है, छह छह महीने सफाई नहीं हुई वो बात है। अच्छा अच्छा, छह छह महीने नहीं होते। चलो तो आज हम लाए इनको, अब हो सकता है कि इनके संज्ञान में आज आइए बात। मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो समय अभी वक्त बचा है उसमें वो आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। हाँ, जब तक ये समस्या दूर नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे कैसे ही है। हाँ, आएंगे तो आना हो तो वरना 5 साल और निकालना इनको। हाँ, तो इनको काम तो दिखाना ही पड़ेगा ना। काम तो दिखाना ही पड़ेगा, सही कह रहे हैं। कुछ और लोग भी आ गए, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे हम जान लेते हैं। अच्छा, इनको जानते हैं बाबूजी? इनको तो जानते हैं। कौन है? अपने पार्षद साहब हैं आपके। कैसा रहा इनका कार्यकाल? नहीं, काम तो बढ़िया कर रहे हैं। कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। कौन कौन सा काम कर दिया इन्होंने अभी? यार ये तो कर रहे हैं ना, नालिया का है, सड़कों का है, और वो जो बिछाते ना अपन, काम बढ़िया कर रहा है। कोई ऐसा काम है जो बाकी रह गया हो इनको करना चाहिए? अब करीब करीब तो है, हो चुका है काम, तो हो चुका है करीब करीब, हो चुका है। आपको लगता है कोई काम ऐसा बाकी रह गया हो? हाँ, थोड़ा बहुत रह गया। जैसे? जैसे नालियों का काम बिल्कुल अभी भी वो हो रहा, अभी इसकी मरम्मत ढंग से नहीं हुई है। अच्छा। खाली सीवरेज लगा के चले गए पर नालियों की देख रेख नहीं हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, कई जगह पर हमने बात की तो लोग सीवरेज का कनेक्शन लेना नहीं चाहते, आप लोग लेना चाहते हो? हम तो ले रखा। अच्छा, ले रखा है आपने। हाँ, बहुत कनेक्शन है। कैसा रहा अपने यहाँ केबल जल्दी चल रही है? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आपने, आप इस वार्ड के? आप इस वार्ड के नहीं है। दादी, 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 दो लोग और हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर इनका कार्यकाल और दादी के कैसा रहा है। क्या हुआ माता जी, क्यों गुस्सा हो रहे हो आप? आपके पार्षद साहब? हाँ, चलो तो आप चलो बेटा। अच्छा, आपको पहले, हमारे रैली है पर आप चलो। हाँ, मैं गली से बहुत परेशान हूँ। गली से? हाँ, बहुत गंदी वाड़ा हो रहा है। दिखाओ आप गली। हाँ, हम देखे सर। और देखो शिव शंकर बोले बेटा। हाँ, अपन को पूरेगा दोनों को। अच्छा अच्छा अच्छा, गली खराब कैसे हो रही है माता जी बोले तो? अरे मैं सफाई कराने के लिए नोरे खाती रहती हूँ बेटा। 100-100 रुपए देती हूँ मैं, कैसे भी नहीं खाऊं तो भी। अच्छा, मैं खाना नहीं खाऊं पर 100 रुपए दूँ। अच्छा। हाँ, तो पार्षद साहब आते नहीं आपके? ये इनको बुला के लाते लाए, पुरुष नहीं है भाई, भैया जी के लिए कुछ नहीं के भाई। एक मार बेटो है। अच्छा, वो नेता को नहीं, भाई मार बेटो है। अच्छा, मार तीन बेटा ना जो तो है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये देख ये बेटा। अच्छा, ये इसकी मेहरबानी करा दे तू। अच्छा, इसमें क्या समस्या है माता जी? देख, एक तो इसको साफ करा दे। अच्छा, और इतनी सी दीवार करवा दे। अच्छा, ये दीवार हो जाए सरकारी खर्चे पर। इतनी सी दीवार गिर कर देगा ना, ये मेरा नहीं गिरेगा। अच्छा, क्योंकि कोई सुनाई नहीं करती। अच्छा माता जी, थोड़ा सा था इतना सा खड्डा बांटे रख रख के। हाँ, मैंने ऐसा सारा दे रखा, सारी फोड़ दी। अच्छा, तो ये तो माता जी कोई विकास समिति भी तो होगी आपके वार्ड की, है क्या? क्या विकास समिति कोई यहाँ की बनी हुई? नहीं, आप सब लोग एकजुट होके भी तो इस चीज को तैयार कर सकते हैं। नहीं है, नहीं है। चलिए पार्षद साहब ने देखिए, अगर हो सकता है, अगर इनके मत में होगा, आपको लगता है सर कि अगर इनके मत में होगा? हाँ, तो मुझे लगता है ये जरूर करेंगे। नहीं, हमारे में ही है तो। अच्छा, है तो हमारे में बेटा। सुनो सुनो बाबू जी, और आए बाबू जी। राम राम। ये हिल रहा देखो जी। अच्छा, ये हिल रहा है। हाँ दादा, बॉस है हमारे, जीतेंगे जीतेंगे। अच्छा, जीतेंगे। हाँ, कोई हरा नहीं सकता। कैसा रहा इनका कार्यकाल? बढ़िया आदमी है, जी, बहुत अच्छा ना। अच्छा रहा, कोई काम ऐसा रह गया हो बाकी? कुछ भी नहीं रहा, बहुत काम, बहुत हर चीज बहुत अच्छे से किए इन्होंने। हाँ, और नेक्स्ट टाइम भी इन्हीं को हमारा विचार है कि बनाने का, इन्हीं को बनाने का विचार है। भले पार्टी टिकट दे चाहे नहीं दे। नहीं, हमारे यहाँ के देंगे, नागपुरी क्षेत्र के सारे लोग। चलिए, नागपुरी क्षेत्र के लोग देंगे। एक माता जी और, उनसे भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि समस्या यहीं की है। कैसा है माता जी इनका कार्यकाल? आपके पार्षद साहब का बहुत बढ़िया है। बढ़िया, सब काम कराते हैं, अच्छे, सब सब सब, कोई कमी नहीं है हमारे में। कोई कमी नहीं है, रहेगा ही होगा, बता दो। नहीं नहीं, कोई क्या कमी है? कुछ नहीं है, नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, बहुत अच्छे है हमारे तो। ये फोन मतलब एक रिंग जाने से पहले कभी उठाए नहीं तो वापिस कॉल करते हैं कि बोले माता जी काम बताओ, क्या काम करना है, आदेश दीजिए हमें। ठीक है, यहाँ के लोगों की अपनी अपनी राय है, वो रख रहे हैं हमारे सामने। कुछ नाखुश हैं, कुछ खुश हैं। जहाँ
आगे की ओर आपको लेकर चलते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। एक छोटे से सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। आप अपने प्रयास से मिला रहा हूं। आपके प्रयास से नहीं, बिल्कुल नहीं रहा, मीठा रहा क्या? हमारे जो काम किया इन्होंने अच्छी तरह से, व्यवहारिक है, व्यवहारिक आदमी है, बुलाते ही आते हैं एक मिनट में। हाँ, हमारे नहीं खाली, ये पेड़ नहीं कटवाया, ये पेड़ है ना पास में, बस एक समस्या है, ये पेड़ कटवा दो बस। पेड़ क्यों कटवाना चाहते? नहीं, ये इधर इनके घर में आता है ना, इसलिए डायरेक्शन दिया था। इनके घर में आता है ना तो कचरा होता है। दादाजी का, दादाजी इसलिए आप इसी बात। कैसा रहा इनका कार्यकाल? इनका कार्यकाल बड़ा शानदार है, शानदार व्यक्तित्व के आदमी है, सबको कोऑपरेट करते हैं। नाली की प्रॉपर इनके राज में सफाई हो रही है, रोड वोड प्रॉपर बन रहे हैं, व्यवहार कुशल है, मिलनसीन आदमी है, मोहल्ला प्रसन्न है। द्वारा क्या बार बार आते ही रहे, ये दूसरे की जरूरत भी नहीं है। इतने अच्छे आदमी रोज मिलते हैं क्या? हिंदुस्तान में अच्छे आदमियों की बहुत कमी है और खास तौर से राजनीति में, है ना। और फिर हमने इनके सहयोग से अपने प्रयास से यहाँ बगीची में वृक्षारोपण कर रखा है। 11-12 पेड़ लगे हुए हैं, आप स्वयं देख लें, अभी बड़े भी हो गए हैं अभी ये है। परंतु फिर भी इनके लिए कुछ थोड़ी सी हल्की सी कमी है, अगर सरकार थोड़ा सा और प्रयास करे, कुछ ट्री गार्ड वगैरह थोड़े से एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि यहाँ क्या है कि सार्वजनिक जगह है तो कुछ गाय भी शाम को आके बैठ जाती है, है ना। और यहाँ क्योंकि हाई कोर्ट का भी एक अब लेटेस्ट डिसीजन आया है कि भाई सार्वजनिक जगहों को पार्क के लिए विकसित किया जाना चाहिए, किसी संस्था को नहीं देना चाहिए। पार्क बन जाए तो अच्छा है ना वार्ड के अंदर, तो यहाँ पार्क बन जाए उसकी विशेष आवश्यकता भी है, कच्ची बस्ती भी है ये, उसके लिए गवर्नमेंट को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थवश और सत्ता की लोलुपता में कुछ व्यक्ति विशेष और सामाजिक संस्थाएं भूमाफिया का कार्य करने लग गई है। तो इस ओर हालांकि हमारे पार्षद का विशेष प्रयास रहा है उनको उनकी जो भूमाफिया प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाने के लिए, परंतु फिर भी सरकार इस ओर विशेष ध्यान देकर के प्रयास करे, पार्क डेवलप करे, जिससे कच्ची बस्ती को दोहरा लाभ हो जाएगा। गरीबों के आमतौर पर जैसे उठावने वगैरह की समस्या होती है तो यहाँ कोई सार्वजनिक जगह है ही नहीं, ये सार्वजनिक जगह है, इसका सही सदुपयोग है। और आमतौर पर घरों में भी इतनी जगह नहीं है, आदमी घर से सुबह शाम सर्दी के मौसम में निकलते ही, धूप वगैरह के लिए निकलते ही बस यही सार्वजनिक जगह है, तो इसका सही सदुपयोग तो तभी हो जाए। तो मुझे मुझे लगता है कि आपको कहना चाहिए निगम के माध्यम से या फिर विधायक उससे। हेड़ा जी जब एडी अध्यक्ष थे वो आए थे, विजिट भी करके गए, पर उस समय वसुंधरा जी जब आई थी अंस पैराडाइज में तो समाज विशेष ने आवेदन कर रखा था, उनकी फाइल चल रही थी, इस कारण उस विषय पर वीटो लगा। परम्परयासरत है, उम्मीद करते हैं ऐसी समस्याएं वार्ड के अंदर जो हैं उनको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक माता जी और हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। माता जी क्या नाम है? पटेम का। हाँ पवन जी आओ। पार्षद साहब का कार्यकाल कैसा रहा आपके? अभी मैं तो नहीं आया। अच्छा आप नहीं आए अभी, चलिए ठीक है, आइए कल आइए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आपके पार्षद साहब? बढ़िया है ना, अच्छे हैं। बढ़िया है? हाँ। काम कर रहे हैं? हाँ, काम चल रहा है। कोई रह गया हो काम बता दो आज। नहीं, काम तो पूरे कर दिए उन्होंने, इसमें दिक्कत नहीं है। कर दिए हैं पूरे? हाँ, काम तो होते नहीं है। क्या नाम है? क्या नाम है माता जी आपका? मैं डॉली। अच्छा, पार्षद साहब का कार्यकाल कैसा रहा आपके? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा? हाँ। कोई काम? नहीं, सब काम कंप्लीट है। हाँ, काम है। काम नहीं, नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं है। हाँ। बाकी सब अच्छा है। तो दोबारा अगर पार्टी टिकट देती है, निर्दलीय खड़े होते हैं तो? हाँ, हम जरूर सपोर्ट करेंगे इनको। आप इनको सपोर्ट करेंगे? हाँ। चलिए ठीक है, आपको आगे लेके चलते हैं और कुछ प्रतिक्रिया सुनाते हैं। इनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया साहब, हमारे बढ़िया बिल्कुल, खूब काम कर रही है। हाँ हाँ बिल्कुल साहब। कई लोग शिकायत कर रहे थे इनकी। अब ये तो अभी देखो साहब, ये तो शिकायत करने वाले करते रहो, अभी हो रही है साफ सफाई वगैरह सब हो रही है, कोई परेशानी होती है तो बता देते हैं कि भाई ये बिजली का बंद है, कोल बंद है, तो वो और तो क्या है सब। और कोई नया काम कराना तो बता दो आप। नया काम तो क्या करा भाई, ये तो हमारे ऊंदरों ने जो है बाहर जगह जगह गड्ढे कर रखे हैं। समस्या ये हमारे नुक्कड़ पे देखो ना, वो अंदर से ना ये बड़े बड़े ऊंदरे पीछे से आ जाते हैं, कितने ही पकड़ के छोड़ा है।
अच्छा, तो वो नाड़ी का यहाँ गड्ढा कर देते हैं अंदर से। अच्छा। नाड़ी को ब्लॉक कर देते हैं। तो वो थोड़ी बंद नाली है, हमने पाइप डाल रखा है, बाद में खुली हो जाएगी तो बढ़िया भी काम चलेगा। चलिए ठीक है राव जी। आगे विनोद जी देख लो। हो गया माता जी, आज आपके पार्षद साहब आए। राम राम। हाँ जी, बनी ठेट हाँ नाली की बड़ी समस्या आपके। हाँ, नाली की पूरी परेशानी है। आज तो आ गए आपके पार्षद साहब, ले आए हैं पार्षद साहब। मैं तुम्हारी फोन करी हूँ। अच्छा, आप कर देंगे आज? आज कर देंगे। आज इन्होंने कैमरे पे दिखा दिया है, आपने आज बोल दी ना शिकायत कैमरे पे, तो आज ये कर देंगे काम आपका। वाह बढ़िया, बढ़िया काम हो जाएगा आपका। दोनों नाले भरी रहे, आपकी भरी रहे नाले। अच्छा। अब पानी अब चेक तब भी करो नहीं। पानी तो आई भाई, कपड़ा को नहीं, कपड़ा धोबा को पानी आवे। हां, अब कोई खबर बर्तन बर्तन धो दी नाले में कूड़ा, लेटिन में थोड़ी कूड़ा कोई। हां जरा, और कोई काम माता जी इसके अलावा? हां, नाली के अलावा और कोई काम ऐसा रह गया? नहीं, काम है। आप मां पाइप लेना? हां बिल्कुल, छोटी है, ठेर से छोटी है, अच्छी जी पाइप लेना है। अच्छे पाइप लाने, अब पानी पूरा को नहीं आवे। अच्छा, प्रेशर नहीं आता होगा? पैसे बिल्कुल नहीं आवे, पहले ऊपर छोड़ जाए तो बने, अब तो नहीं को नहीं। अच्छा माता जी, का बताओ, इतनी उम्र हो गई आपकी। हाँ, इतनी उम्र में भी आप पूरा घर संभाल रही हो आजकल? हाँ, संभालना पड़े बेटा, वही घर नहीं छोड़ दे, घर की रुकड़ रखा, घर ने संभालना पड़े। हाँ, इसी बात को नहीं। तो आपने सब ध्यान रखा है, पानी नहीं आ रहा? हाँ, पानी नहीं आ रही है, मगर इंग्लैंड में कोई नल नहीं छिड़कारी। हाँ, कोई मगर हेडपम्प नहीं इंग्लैंड का माइन मारा, बिल्कुल आती ठीक है। अब मगर अर्चक पानी आई। अच्छा, अब कौन कौन का पानी जब पट्टू ले अर्चक पानी, इसी पाइप लाइन का पानी है। कितनी उम्र हो गई माता जी आपकी? 70 के बारे होगी मैं तो। 75 का ऊपर है। 75 के ऊपर हूं। बहुत ध्यान रखते हो माता जी आप अपने। हां, एक लीटर बताना देंगे। देखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बाबू जी एक और मिले हैं। बाबू जी क्या नाम है? मेरा नाम सत्यनारायण है साहब। कैसे हैं आपके पार्षद साहब? ये बहुत बढ़िया साहब, ये तो इनके तो पांच उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। आपके घर के सामने वाले शिकायत कर रहे हैं इनकी बहुत। सारा पानी यही इकट्ठा होता है। अच्छा, यही कॉर्नर पे इकट्ठा हो रहा है। नालियों की बड़ी समस्या है आपके वार्ड के अंदर। अब अगला ये अगले सेक्शन होगा ना, ये वहाँ तक हुआ था ना, वहाँ तक हो रखा था भैया, वो यहाँ तक हुआ, लेकिन आज तक नहीं। अब आगे आज तक नहीं बनाया वो काम, बाकी है अभी। अच्छा, ये तक ही हुआ है और कोई काम? सारी टूटी हुई। अच्छा, हम जैसे बुजुर्ग आदमी अगर सुबह शाम घूमने जावे तो कहाँ जावे, और अपने हाथ पांव तोड़ के लावे क्या फायदा? इसलिए बाहर निकलने मुश्किल। कोई भी रोड हमारी इस एरिया की, कोई भी रोड अगर सही हो तो आप बता दो, हम एक भी रोड सही नहीं है। वार्ड में पार्क की जरूरत महसूस होती है आपको? गार्डन की जरूरत? आप बच्चों के लिए वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन आस पास कहीं ऐसी जगह है नहीं। है नहीं, कोई गार्डन नहीं है। हाँ, 2008 से पट्टों के लिए मैंने कोई 5000 बार UIT जाके आया हूँ, 5000 बार, 3 बार फाइनल लगाइए। मेरे पास 4.5 किलो रद्दी है और ओसियों की, मतलब जो अपन कॉपियां देते हैं उनकी जो ओसी होती है उसकी 4.5 किलो की रद्दी पड़ी है मेरे पास, लेकिन आज तक सुनाई नहीं। 2008 से लेके अब तक सिर्फ आश्वासन होते हैं, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, सिर्फ आश्वासन, कुछ नहीं होता है। अगर कार्य होना चाहिए, देखो आपको अगर हम सीट पे ला रहे हैं ना, तो हम जनता यही चाहती है कि हमारी जहाँ अभी हम रह रहे हैं, जहाँ हमारी जिंदगी बसर हो रही है, वहाँ पर सुविधाएं हो, मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम होनी चाहिए ना, वो भी नहीं है यहाँ, तो फिर वो फिर हम क्यों जिताएं किसी को और क्यों लाएं उसे सीट पे? अगर हम ला सकते हैं तो हम उसको हरा भी सकते हैं, जनता के हाथ में नहीं सब कुछ। एक वोट से आदमी जीतता भी और एक वोट से हारता भी है, सही। लेकिन फिर अगर मान लो उसको जिता रहे हैं, उसे ला रहे हैं, तो फिर ये बार 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 सुनने के बाद भी कार्य नहीं होता है, क्यों? और आप हमारी समस्याएं देखो ना, समस्याएं का बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन क्या पांच काम बहुत महत्वपूर्ण बताइए जो बहुत जरूरी है आपके वार्ड? बहुत पांच काम ऐसे है, जैसे कोई भी नालिया है जो सही तरीके से नहीं है, बरसों हो गए इनको बने हुए, लेकिन ये 20 साल पहले बनी थी, उसके बाद में नहीं बनी है। अब इनसे हमारे घरों में सीलन जारी है, ये मेन काम है। हर 2 साल में हमें अपने घर के काम करवाने पड़ते हैं, इसी सीलन की वजह से, क्योंकि सीलन अंदर पास हो रही है,
सबसे बड़ा मुद्दा है ये। दूसरा मुद्दा हमारे पीछे नाला है, उस नाले की सफाई 5-6 साल से नहीं हुई है। अब अगर वो नहीं हुई है तो जनता का क्या सोचना, जब भी बारिश आती है घरों में पानी आ जाता है। हालांकि हमारा मकान नाले पे नहीं है, लेकिन जनता का तो है, हमारा उनका पड़ोसी धर्म तो है एक तरह से, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बोले उनके लिए। दूसरी समस्या, बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है ऐसी खेलने की, पार्क में जाने की। आज बच्चे अगर जैसे यहाँ खेलने लग गए बैट लेकर के, कोई ना कोई एक्सीडेंट का खतरा है और अक्सर होता रहता है। कभी गाय आ जाती है, कभी क्या आ जाती है, कभी क्या हो जाता है, तो उनके लिए कोई जगह सुरक्षित तो हो। उसके अलावा क्या है, जैसे सीनियर सिटीजन जो भी हैं उनको भी उस गार्डन में थोड़ी राहत मिले, घूमने फिरने सबकी आज़ादी हो। अब इतने बरसों से हम रह रहे हैं और हमारे को कोई सुविधा ही नहीं, तो फिर जिताने का हमें क्या फ़ायदा है, मेरे को आप बताओ। ये एक बड़ी समस्या है वार्ड के अंदर जो निकल निकल के आ रही हैं, नाली की बड़ी समस्या है, टूटी फूटी सड़कों की बड़ी समस्या है। कौन बनेगा मेयर शो में ऐसी ही समस्याओं को जानने के लिए हम वार्ड के अंदर जा रहे हैं वार्ड पार्षद के साथ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद कार्यक्रम को लेकर जाएंगे अंतिम चरण की ओर। सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स, सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। वार्ड नंबर 4 के ही एक वार्डवासी हैं, हमको आते मिले हैं और पार्षद साहब को नमस्ते किया, तो हमने कहा इनसे जान लेते हैं। कैसे हैं आपके पार्षद साहब? जैसा होना चाहिए जैसा होना चाहिए। शिकायत तो खूब कर रहे हैं आपके वार्ड में लोग, हाँ, कोई काम हो तो बताओ। ऐसा देखो, जनप्रतिनिधि तो मुझे मोदी जी से शिकायत है तो मोदी जी से जब शिकायत हो सकती है तो इनसे भी हो सकती है। हाँ, क्या है वो शिकायत? नहीं, शिकायत का कोई जैसे कि क्राइटेरिया नहीं होता, सड़क टूटी हुई है, बना नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आज की तारीख में यदि आप कहीं भी चले जाओ, आप भी रहते हैं तो आपके सारे पड़ोसी संतुष्ट नहीं हो सकते। वार्ड की सीमाएं बड़ी होती है, काम भी कई होता है, समस्याएं भी कई होती है। डिप्लोमेटिक का जवाब दे दिया आपने, खुलकर नहीं दिया है जवाब। सारों का समाधान होना संभव नहीं है। जब अपेक्षाएं ज्यादा हो आदमियों की, हाँ, तो शिकायत होना लाजमी है। चलिए, शिकायत होना लाजमी है। वार्ड की बहुत सारी समस्याएं लोगों ने हमारे कैमरे के ऊपर रखी है, पार्षद खुद हमारे साथ में मौजूद थे, उन्होंने सुनी भी देखी भी। सड़क की जो टूट फूट है वो समस्या थी, नाली की बहुत सारी समस्याएं थी। सर, आपने समस्याएं सुनी, पहली बात तो ये कि इन समस्याओं को लेकर कहाँ कमी रह गई थी, और दूसरी बात कौन बनेगा मेयर शो जो हमारा है, हर वार्ड में जा रहा है, ये शो आपको कैसा लगा? मैं MTV के जो संयोजक हैं जिन्होंने इस प्रकार की रूपरेखा बनाई है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस प्रकार उत्साहजनक जो कार्यक्रम शुरू किया है वार्डों में, निश्चित रूप से वार्ड में जो प्रतिभा है वो अजमेर पूरे शहर में जानी जाएगी और अच्छी प्रतिभा निखर कर आएगी। और ये जो प्रयास है जनता के बीच में जाना, पार्षद के सामने समस्या सुनना, निश्चित रूप से और प्रत्येक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार से तैयार रहना चाहिए कि जैसा अभी राकेश जी पारीख ने कहा है कि अपेक्षा जब बहुत ज़्यादा होती है तब इस प्रकार की परिस्थिति आती है। निश्चित रूप से जो समस्या अभी विजिट करके हम निकले हैं और मेरे संज्ञान में है, और निश्चित रूप से इनको पूरा करने का प्रयास मेरी ओर से किया जाएगा। और विकास कार्य ये प्रक्रिया है, टूटना फिर बनना, फिर रिपेयर होना, फिर बनना। और अभी सीवरेज के कारण ये जो जगह जगह हॉल की समस्या आई है, निश्चित रूप से अच्छी भली सड़कों भी खड्डा दिखता है, जैसे सीवरेज को चैम्बर है, ये बड़ी समस्या है। हर चैम्बर पे आके खड्डा हुआ है, डामर की सड़क बनी है लेकिन अब चैम्बर को चेक करना है तो वहाँ पर डामर की सड़क कट गई है, और जब जब डामर की सड़क बनेगी तो 3-4 जो लेयर इंच जब सड़क ऊपर आती है तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। इसको किस प्रकार से सीवरेज वाले, हम निगम का प्रशासन तकनीशियन किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, ये समस्या निश्चित रूप से उनको अवगत कराई गई है। और MTT चैनल का मैं आभारी हूँ, और मुझे भी बहुत कुछ बातें ध्यान में आई है जो ध्यान में नहीं थी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। और 6 महीने का कार्यकाल है मेरे पास, और जो भी समस्या मोटी मोटी ध्यान में आई मैं पूरे कार्यकाल में पूरा करूँगा। पुनः आभार। पूरा करेंगे समस्याओं को, तो ये सारी तमाम समस्याएं आपको बताने के लिए आपके वार्ड के अंदर हम आ रहे हैं, आपके वार्ड पार्षद को साथ लेकर आ रहे हैं, जानने आ रहे हैं कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कौन बनेगा मेयर, जो शो हम लेकर आपके वार्ड में आ रहे हैं उसमें जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए, वार्ड नंबर 5 में आपको लेकर चलेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।